उनकी धर्मपत्नी की जैसे तरफ से वो मांग ली गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, महंत बालकनाथ योगी कर रहे हैं मुलाकात। बताते चले कि योगी मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, महंत बालकनाथ योगी मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। ये मुलाकात जो है बताया जा रहा है कि हो रही है संसद भवन परिसर में, ये जो मुलाकात है ये हो रही है। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार दिल्ली से लेकर के जयपुर तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, लगातार जो सीएम की रेस में है माना जा रहा है, जो सीएम फेस हो सकते हैं उनका दौरा जो है वो दिल्ली में देखा जा रहा है। और इस वक्त महंत बालकनाथ मुलाकात कर रहे हैं, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात महंत बालकनाथ की, और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण और अहम ये मुलाकात अभी संसद भवन परिसर में महंत बालकनाथ योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और सुबह भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की थी जहां वे ओम प्रकाश माथुर, जो कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन महामंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में उनका बड़ा दारोमदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी विश्वस्त माने जाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और अब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी संभावित मुख्यमंत्री के जो नाम चल रहे हैं उनमें महंत बालकनाथ योगी का भी एक नाम है। ऐसे में इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि जब तक डिसीजन नहीं हो जाता, इसलिए उससे पहले लगातार दावेदारी तमाम वो लोग कर रहे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री की फहरिस्त में है। और इस मुलाकात को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अब बालकनाथ योगी संसद सदस्य का से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो प्रदेश की राजनीति की ओर रुख करेंगे क्योंकि अलवर की तेजारा से वो विधायक हो गए हैं। ऐसे में क्या वो विधायक ही सीमित रहेंगे या फिर जिस प्रकार से सियासी गलियारों में नाम चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उस पर भी आने वाले समय में देखने की वाली बात होगी। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार हो चुकी है मुलाकात या फिर अभी मुलाकात चल रही है। लखवीर, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया पल्लवी की मुलाकात फिलहाल संसद भवन परिसर में जारी है और कुछ सेकंडों के बाद ही मुलाकात खत्म होने वाली है और बालकनाथ योगी गृह मंत्री के कक्ष से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपने जब जब वो पहुंचे दिल्ली में तो उनके हाव भाव से क्या प्रतीत हो रहा था ये बताइएगा जरा सा, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो कई बातें बता देते हैं कि वो सीएम रेस में, क्योंकि उनका भी नाम है लखवीर। जी निश्चित रूप से, अभी जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती जब तक स्पष्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन स्वाभाविक है कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री पद जैसे स्तर पर चल जाता है तो स्वाभाविक है कि वो चिंतित भी होता है, वो प्रयास दोगुने भी करता है, वो उत्साहित भी नजर आता है और ऐसा ही कुछ हाल महंत बालकनाथ योगी का भी नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया में जिस प्रकार से खबरें चल रही हैं उनके सीएम पद पर बन सीएम बन जाने की, सीएम पद में उनका मुख्य तौर पर नाम चलने की, तो उससे वो कहीं ना कहीं थोड़े मायूस भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अमूमन होता यह है कि एक बार अगर मीडिया में नाम चल जाता है तो वो बीजेपी के जो कॉरिडोर है उसमें कहीं ना कहीं सेटबैक माना जाता है और इसी से अभी बालकनाथ योगी जूझ भी रहे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड जब वो हमसे बात करते हैं, अभी जब गृहमंत्री अमित शाह के कक्ष में घुसे तब भी कहकर गए कि अभी इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ चर्चाएं ही हैं, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और आप लोगों से भी आग्रह है कि जब तक कुछ तय नहीं हो जाता तब तक बचे हैं। तो मतलब साफ तौर पर उनके मन में शिकन तो है, उनके चेहरे पर शिकन नजर आ रहा है क्योंकि जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती, औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक ये सब प्रयास ये है। हालांकि मुख्यमंत्री की फहरिस्त में काफी फ्रंट रनर माने जा रहे हैं और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। ठीक है लखवीर, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रह गए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।